जय भीम साथियों साथियों, बहुजन की बात एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं सूरज कुमार बौद्ध, आज मैं मध्य प्रदेश में गांव गिराओं में घूम करके, आदिवासी गलियारों में घूम करके आया हूं, और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए कि पूरे देश आज दिवाली मना रहा है, लेकिन इस दिवाली मनाए जाने के खेल में एक ऐसा तबका है, एक ऐसा समाज जिसका दिवाला मना हुआ है। क्या वह दिवाला मना हुआ समाज जिसकी पूरी दिवाली त्यौहार के नाम पर वो दिवाले का शिकार है, महज एक त्यौहार के नाम पर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बात इसलिए कर रहा हूँ, दर्द इसलिए हो रहा है कि आज पूरा देश पटाखों में गूंजा हुआ है, पूरे देश में उजाला फहरा हुआ है, लेकिन एक ऐसा तबका जो आदिवासी समाज कहा जाता है, जो शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, जो शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, उसके घर में खाने के लिए नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में तमाम जगहों पर घूम के आज आ रहा हूँ, और वहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे घर ऐसे हैं, आदिवासी घर ऐसे हैं जिसके घर आज खाने के लिए खाने नहीं है, पटाखे तो छोड़ दीजिए, और आज वह लोग कंद कंद भूज करके खा रहे हैं। कंद मतलब आलू के जैसा एक होता है कंद, जो ज़मीन में होता है, तो कंद भूज करके खा करके वो लोग अपना प्यास बुझा रहे हैं, अपनी भूख मिटा रहे हैं। तो पूरा देश, मध्य प्रदेश वही जगह है जहाँ पर चुनाव होने वाला है, जय भीम, मध्य प्रदेश वही जगह है जहाँ पर चुनाव होने वाला है। तो इस चुनावी प्रक्रिया में हमारे आदिवासी भाइयों के हितों को, उनके हक को, उनके अधिकार को कौन सुनेगा, इसी बात पर मैं आप सबके बीच में बात करने के लिए आया हूँ। मैंने जो विषय दिया है कि पटाखों की गूंज में बहुजनों की बेबस आवाज़, बहुजनों के दर्द को कौन सुनेगा। तो साथियों, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, शिवराज मामा, जो से यहाँ पर शिवराज को लोग प्यार से मामा कहते हैं, सोचिए कितना बड़ा रिश्ता होता है, शिवराज मामा, मामा यानी दो माँ का प्यार, माँ माँ। लेकिन उस मामा यहाँ के गरीबों को, वंचितों को, शोषितों का कत्ल करके, उनके उम्मीदों का कत्ल करके, उनके संभावना और उनकी भावनाओं का कत्ल करके अपना महल खड़ा किया हुआ है। 15 साल से यहाँ की हुकूमत ने इस मामा पर भरोसा किया, और यह मामा लोगों के उम्मीदों का कत्ल कर रहा है। मंदसौर में जिस तरह से किसानों पर गोलियां चलाई गई हैं, उसे कौन भूल सकता है। व्यापम घोटाले के नाम पर जिस तरह से तमाम जो लोग थे उन पर हत्याएं की गई, उन पर गोलियां चलाई गई, उनकी मौतें का कोई आंकड़ा नहीं नज़र आया, उनका कोई कौन उसका जिम्मेदार है कुछ समझ में नहीं आया। इन्हीं सब मुद्दों पर मैं बात करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ, और तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर मतलब बात करना ज़रूरी है इस छात्र संघ इस चुनाव में, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव के बाद जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के हालात कैसे हैं। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पा रही है। एक कुआं है एक गांव में, और वो कुएँ उसी कुएँ से मतलब खेत भरे जाते हैं, और वो कुआँ देख करके आप सहम जाएंगे, क्या लोग उसके पानी भी पीते होंगे, लेकिन सच्चाई है कि वहाँ के लोग उसी पानी को पी करके ज़िंदा हैं। वो ज़िंदा ज़रूर हैं, लेकिन सच्चाई कहूँगे तो उसके ज़िंदा होने के पीछे पूरा समाज शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मिंदा है। तो साथियों, हम सबको एक बात समझने की ज़रूरत है कि इस मुल्क में हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, क्या एक ऐसा समाज जहां आदिवासियों के दर्द को कुचला जाए, जहां आदिवासियों के उम्मीदों का कत्ल किया जाए, और उनके उम्मीदों का कत्ल करके उनके खून पसीने से अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी करने वाले लोगों की हुकूमत को हम बर्खास्त करेंगे कि नहीं करेंगे। इस चुनाव में यहाँ के लोग कमल से और कमलनाथ से अजीज आ चुके हैं, चूँकि मैं भी विजय कुमार बिरसा से मिला हूँ, जो यहाँ जय सिंह नगर विधानसभा से बसपा से उम्मीदवार हैं, वो चूँकि खुद आदिवासी हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ललम की पढ़ाई करते हैं, तो उनसे जब मैंने बात किया तो बहुत सारे चीज़ को उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि गरीबी क्या है ना, ये हमने किसी किताब में नहीं पढ़ी, आदिवासियों के दर्द को हमने GDP के आंकड़े से और किसी सरकारी रिपोर्ट से नहीं समझा है, बल्कि हमारा दर्द है उसको हमने झेला है, हमने महसूस किया है, इसलिए हम उनके लिए लड़ सकते हैं। तो साथियों, हम लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या जब पूरे मुल्क में दिवाली मनाई जा रही है, जब पूरे मुल्क में पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है, जब पूरे मुल्क में चारों तरफ रोशनियां दिखाई दे रही हैं, इस रोशनी के पीछे क्या उन आँखों में रोशनी पहुंचेगी, उन आँखों के उम्मीद के दर्द को कोई महसूस कर पाएगा, जो गांव के झुग्गी झोपड़ी में, जो जंगल के गलियारों में, पहाड़ के पठारों के नीचे रह रहे हैं, जहाँ पर आम आवाज़ नहीं पहुँच सकती है। मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ नेटवर्क नहीं है मोबाइल का,
वहाँ के लोग कैसे जीते हैं जिनका बाहरी दुनिया से मानो कोई संबंध ही नहीं हो। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसको हम स्थापित करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी बताएं, ऐसी कौन सी सिस्टम, ऐसा कौन सा विकास करना चाहते हैं? क्या देश के विकास के नाम पर आदिवासियों का कत्ल किया जाएगा, वही देश का विकास कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं साथियों। हम सबको यह समझने की ज़रूरत होगी कि ठीक है, आप दीपावली मनाइए, दिवाला मनाइए, जो समझ में आए वो करिए, लेकिन इस देश की जो आबादी है, इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, इस देश के जो श्रमजीवी प्रोडक्टिव कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके खून पसीने से आप लोग अपना घर बनाए हुए हैं, जिनके पसीने को नोच नोच करके, जिनके पसीने को आप लोग खींच करके, जिनके पसीने को, जिनके खून को आप लोग इकट्ठा करके अपने बड़े बड़े गाड़ियों के इंजन में डालते हैं और अपना गाड़ी चला रहे हैं, उनकी दर्द को कौन महसूस करेगा? इन्हीं सब मुद्दों पर मैं आज आप सबके बीच में बात करने आया हूं। और साथियों, एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ की आदिवासियों महिलाओं के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी पाएंगी कि वह महज साड़ी और ब्लाउज़ में रहती हैं, उनके पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है। और हमने सुना कि कई जगह ऐसे नेता आ रहे हैं जो एक साड़ी दे दे रहे हैं या साल दे दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ के आदिवासी समाज को भी आगाह करना चाहूँगा, गाँव गाँव जाकर उन्हें आगाह करने की कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं कि एक साड़ी दे करके, एक साल दे करके वो 5 साल तक आपके उम्मीदों का कत्ल करेंगे। ऐसी हुकूमत, ऐसी व्यवस्था, ऐसी शर्मनाक व्यवस्था का बहिष्कार करिए और उनको जिताइए, उन लोगों को जिताइए जो आपकी उम्मीदों को, जो आपके दर्द को खुद महसूस किए हों और जो महसूस कर सकते हों। आदिवासी समाज एक ऐसा समाज रहा है जो आदम जमाने से यहाँ पर रहता हो, और वह समाज कभी किसी के सामने गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन आज उन आदिवासी समाज की आंखों में अगर आंसू देखा जा रहा है, इसके लिए ये ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी सरकारें जिम्मेदार हैं। और कोशिश होनी चाहिए हमारे देश के समस्त बहुजन नेताओं को, युवाओं के, हम सभी की कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को बर्खास्त करें, किस तरह से इस पूरे सिस्टम को बर्खास्त करें और इस सिस्टम को बर्खास्त करके समतामूलक समाज की स्थापना करें। 5वीं 6वीं अनुसूची की लड़ाई, जल जंगल जमीन की लड़ाई, आर्टिकल 38 क्लास बी से आर्टिकल 39 क्लास बी सी को सही मायने में यहाँ पर स्थापित किया जाए, संवैधानिक लड़ाई को स्थापित किया जाए। बिरसा फुले, अंबेडकर, टांटा मिल, जानू मुर्मू, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं, उनको उम्मीदों को यहाँ पर स्थापित किया जाए, उनके सपनों के भारत का निर्माण किया जाए। और इसके लिए पूरी ज़रूरी है कि हम सब युवाओं को मौका दें, और बहुत सारे लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों को वोट देना है, ऐसी विचारधारा को वोट देना है जो संविधान में यकीन रखती हो, जो समतामूलक समाज में यकीन रखती हो। साथियों, यहाँ के हालात बहुत ख़राब है आदिवासियों। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग कभी पिकनिक मनाने जाते हैं, कोई आगरा जाता है, कोई ताजमहल देखने जाता है, कोई और अच्छे अच्छे जगह पर जाता है, अगर आपको कभी पिकनिक मनाने का शौक हो तो एक बार आकर के गाँव के झुग्गी झोपड़ी गली गलियारों में भी सफ़र कीजिएगा, इनके दर्द को महसूस करिएगा, इनके दर्द के साथ अपने आप को जोड़िएगा और अपने आप को महसूस करिएगा गांव की उस झुग्गी झोपड़ी में एक दिन रह करके, और एक दिन कल्पना करके कि हम कैसे रहेंगे बगैर पानी के, बगैर बिजली के, एक दिन उस दर्द को महसूस करिएगा, फिर आप महसूस कर सकते हैं कि हालात यहाँ पर कितने ख़राब हैं। यहाँ के लोगों को आपको जान करके बहुत ताजुब होगा, यहाँ दिहाड़ी मजदूरी की रेट महज 170 रुपये है और 10 किलोमीटर यहाँ के आदिवासी पैदल जाएंगे, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल जाते हैं और मजदूरी करके पैदल आते हैं, और उनको मिलती है एक दिन की मजदूरी 170 रुपये, उसके बावजूद भी उनकी शिकायत रहती है कि उनको 100 रुपये भी ठीक से नहीं दिया जाता है। ऐसे लोग यहाँ पर कैसे जी रहे होंगे, ये महसूस करने की चीज़ है। और उसके बाद की भी एक चीज़ है जो जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, हमारा समाज जिम्मेदार है, हमारे समाज के साथ ही साथ वो एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के पुरुषों को, महिलाओं को, उनके दिमाग में महज पौआ का नशा चढ़ाया हुआ है। यहाँ का अमूमन बहुत सारी आदिवासी आबादी ऐसी है जहाँ पर महिलाएं पुरुष दोनों के दोनों लोग पौआ चढ़ाते हैं, मतलब एक पैक मारते हैं। यहाँ पर सस्ता पौआ मिलता है, पुलिस प्रशासन खुली छूट दी हुई है, महुआ का यहाँ पर शराब मिलता है और लोग पीते हैं और नशे में धुत रहते हैं, बस नशा करेंगे, सेक्स लाइफ तक सीमित रहेंगे, कमाएंगे, मजदूरी करेंगे, उसी मजदूरी से आकर के अपनी ज़िंदगी एक दिन की बिताएंगे, आगे के बारे में, भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको उससे आगे सोचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, उससे आगे वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। आखिर सोचेंगे भी कैसे जब उनके दिमाग में धर्म का कीड़ा बसा रहेगा, जब उनके दिमाग में सोचने समझने की
क्षमता खत्म कर दी जाएगी और नशे की लत पकड़ लाई जाएगी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आप सबको विचार करने की ज़रूरत है। इन सब मुद्दों पर विचार करके आप लोग एक नए तरीके से पूरे देश के बहुजन समाज के युवा और जो नेता हैं वो एक रणनीति बनाएं और कोशिश करें कि हम इस पूंजीवादी, इस जातिवादी सिस्टम से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे मार्ग दे सकते हैं इस ब्राह्मणवादी हुकूमत को, और कैसे लिख सकते हैं एक नई इबारत जो संविधान में यकीन रखती हो, जो कलम में यकीन रखती हो, जो संविधान की प्रस्तावना में यकीन रखती हो। फिर मिलते हैं साथियों, लेकिन एक चीज़ और कहना चाहेंगे जो मैंने यहाँ पर महसूस किया है, और जो भी देश हैं, मतलब मैं अगर भारत की बात करूँ, जो भी प्रदेश है भारत का, ऐसा वह इलाका है जहाँ पर नक्सलवाद हावी हुआ है, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई का नाम लेते हैं, जहाँ पर मतलब गन हावी हुआ है, वहाँ के लोग पिछड़े रहे हुए हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश आप देखिए, कुछ हद तक अगर आप बिहार देख लीजिए, और छत्तीसगढ़ देखिए, झारखंड देखिए, जहाँ पर आदिवासियों के हाथ में बंदूक थमाई गई है, वहाँ पर आदिवासियों का हालात बहुत ही ख़राब रहा है। तो मैं इस देश के आदिवासियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब इन तभी जो सवर्ण कम्युनिस्ट हैं उनसे वाकिफ़ होइए और उनकी हकीकत को पहचानिए, और आप लोग खुद कलम किताब की लड़ाई लड़िए, और बिरसा फूले अम्बेडकर, सावित्री फातिमा मंडल, टांटा भील, झानू मुर्मू, इन सब की लड़ाई को एक संगठित तरीके से लड़िए, वैचारिक आधार पर लड़िए और संवैधानिक तरीके से लड़िए, और बर्खास्त कीजिए इस हुकूमत को। जब आपकी आबादी ज़्यादा है तो आप लोग खुद सत्ता के नायक बनिए, सत्ता के निर्धारक बनिए और खुद कारक बनिए इस हुकूमत को चलाने का, तभी आपका विकास हो सकता है, तभी हम सब का विकास हो सकता है, और हम हथियार के बल पर इस मुल्क में न तो क्रांति ला सकते हैं और न ही कभी लाए हुए हैं। और इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमें लोकतंत्र में हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, बचाव को छोड़ करके, और हथियार के बल पर इसलिए क्रांति नहीं लाए थे क्योंकि इसके पहले हमको हथियार उठाने की इजाज़त नहीं थी, हमको अधिकार नहीं था इस हिंदू धार्मिक व्यवस्था में। तो आप सभी एक बार सोचिए, अपनी आंखों को खोलिए और कलम किताब की लड़ाई को मजबूत करिए, बर्खास्त करिए शिवराज हुकूमत को और स्थापित करिए नई हुकूमत को, नई परंपरा को, जो विधान में यकीन रखती हो, संविधान में यकीन रखती हो। फिर मिलते हैं भोजन की बात की अगली श्रृंखला में, तब तक लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इस पोस्ट को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सभी का जय भीम, हुल जोहार। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।